भाई लोगों, पहले मंच पे जितने भी हमारे साथी हैं उन सबको मैं मुबारक करता हूं कि वो तशरीफ लाए। आज हमारा मकसद क्या है? आज हमारा मकसद सिर्फ एक है कि हम सब आईन को बचाएं, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएं। आज कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है। आप देखें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी धमकियां दी जा रही हैं। यह हाल है हमारा। ये बात सुनिए, इंसान को इंसान चढ़ाया जा रहा है, मुसलमान अलग, हिंदू अलग, सिख अलग, ईसाई अलग। इस लड़ाई के खिलाफ हमने आवाज उठानी है, इस लड़ाई के खिलाफ आपने वोट देना है। और तभी वो सब नेता जो आज बंद कर दिए गए हैं, केजरीवाल जी और सोरेन जी और दूसरे संजय, इन सब में निकलेंगे जब आप इस आईन को पकड़ेंगे और जब इलेक्शन का टाइम आएगा आपको वोट देना होगा। आप उस बटन को दबाइएगा जो इस हुकूमत को हराएगा और आपकी हुकूमत लाएगा। बहुत लोगों ने बात की है, वक्त कम है, मैं सिर्फ ये कहूंगा, हम सब ने इकट्ठे होके, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तमिलनाडु से हो, आसाम से हो, बंगाल से हो, कहीं से भी हो, हमें सब इकट्ठे चलना है। मुझे बहुत खुशी हुई जब महबूबा जी यहां तशरीफ लाई और उन्होंने साफ कहा, इंडिया गठबंधन को हमने मजबूत करना है, उसमें हम सब आपके साथ हैं, रहेंगे जब तक जिंदगी है और दम है, हम लोग इस गठबंधन को छोड़ने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ आपसे निवेदन करूंगा, मेरे साथ 3 दफा हाथ उठा के जय हिंद कहिए, मैं भी देखूं आपका जज्बा कितना है। जय हिंद। अरे ये तो हाथ ही नहीं उठा रहे हो, क्या हो गया? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।